वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा ब्यूटी, क्योंकि आज हम ट्राई करने वाले हैं होम रेमेडी और होम रेमेडी से हम हमारे ब्यूटी को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि अभी मेरे फेस पे कुछ ज़्यादा ही पिंपल्स आ गए हैं, बहुत ही एक्ने हो गए हैं और मुझे इनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना है, तो मैं डेली कुछ ना कुछ होम रेमेडी ट्राई कर रही हूँ और जो होम रेमेडी मेरे फेस पे इफेक्टिव रहती है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं होम रेमेडी से स्क्रब, जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है, क्योंकि वो जितने भी डेड सेल्स हैं हमारे स्किन पे वो सब रिमूव कर देती है। अभी मैं होम रेमेडी ट्राई कर रही हूँ जो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रही है और मुझे धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल रहा है, क्योंकि मैं शादी में गई थी, मैं अपनी स्किन की प्रॉपर केयर नहीं कर पाई, मैंने वहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जिसकी वजह से मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, पर धीरे धीरे वो सब चीज़ें मैं उन सब चीज़ों से मैं डील कर रही हूँ और धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों से छुटकारा पा रही हूँ। तो मैं क्या क्या अपने अपनी डेली रूटीन में भी क्या क्या कर रही हूँ, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस रेमेडी को करने के लिए आपको चाहिएगा कॉफ़ी, शुगर, एलोवेरा जेल एंड रोज़ वाटर। बस इन्हीं सब चीज़ों से हम हमारे फेस की केयर करेंगे, उसका स्क्रब करेंगे। लिया है उस बाउल में मैंने छोटा सा, जितना मेरे फेस पे जितनी क्वांटिटी मुझे मेरे फेस के लिए चाहिए उतनी क्वांटिटी का मैंने एक कॉफ़ी पाउच ले लिया है। इस अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर ऐड करेंगे। शुगर इस स्क्रब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये क्रिस्टल होती है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है, ये हमारे डेड सेल्स को इजीली रिमूव करती है, इसलिए हम यहाँ पे शुगर का यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके पास में नेचुरल एलोवेरा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा रहेगा। इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। अगर आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राई है तो आप उसमें इसेंशियल ऑयल भी यूज़ करते हैं, फेस ऑयल यूज़ करेंगे तो उससे आपके स्किन पे जो ड्राई है वो थोड़ी ऑयली रहेगी और स्क्रब करने में आपको इजी रहेगा। सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करके आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके शुगर के क्रिस्टल्स को ज़्यादा बढ़े हैं तो आप इसको थोड़ा ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने से उसके जो क्रिस्टल है वो थोड़े छोटे हो जाएंगे, तो आपको ईजी रहेगा स्क्रब करने में, आपको ईजी रहेगा, आपको दाना चुभेंगे भी नहीं। बट आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए और स्क्रब कीजिए। आपको इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, वरना आप अच्छे से स्क्रब नहीं कर पाएंगे। इसको अच्छे से लिक्विड जैसा कर लीजिए। अच्छे से जब इसको मसाज हो जाए तो इसको स्क्रब करते हुए ही इसको वॉश कर लेना है, नॉर्मल वाटर से ही इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद में इसका रिजल्ट देखते हैं। तो अब मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद में आप देखिए मेरे फेस को, एक दिन में इसका इफेक्ट नहीं आता है, बट आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, वीकली ट्राई कीजिए, अगर पास टाइम है तब इसको रेगुलर ट्राई कीजिए, इसका इफेक्ट डेफिनेटली आएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।